नमस्कार, मैं प्रिया। जनक पुत्री सीता के नाम से हम सब इन्हें जानते और नमन करते हैं, लेकिन हम में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। सीतामढ़ी बिहार राज्य में एक छोटा सा जिला है जिसका मुख्यालय डुमरा है। बिहार के इस छोटे से जिले का नाम ही माता सीता के नाम पर रखा गया था। सीता को समर्पित एक मंदिर दंडौर धाम सीतामढ़ी में स्थित है। पुनौरा धाम, जानकी मंदिर भारत के बिहार राज्य में सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिसमें एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह सीतामढ़ी शहर के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक लोकप्रिय अंगतुक का आकर्षण है। इस मंदिर की बिहार के सीतामढ़ी में स्थित देवी सीता को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में गिनती होती है। लाखों श्रद्धालु हर साल इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। आगे बढ़ते हुए जानते हैं सीता के जन्म से जुड़ी कुछ बातें। दरअसल एक बार की बात है जब पूरे राज्य में सूखा पड़ा था, जिसके कारण राजा जनक और उनकी प्रजा काफी परेशान थी। तब उन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने का सुझाव दिया था। महर्षि ऋषि ने राजा जनक से यह भी साफ कहा था कि यज्ञ के बाद वो धरती पर हल चलाएं। ऋषि द्वारा दिए सुझाव पर राजा जनक ने हूबहू वैसा ही किया। पहले यज्ञ किया और उसके बाद हल जोतने लगे। वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी एक सुंदर सी कन्या दिखी। कन्या को देखते ही राजा जनक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजा जनक की कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस कन्या को ही अपनी बेटी बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता भगवान राम की पत्नी है, माँ लक्ष्मी की अवतार है। माता सीता को जानकी और धरती पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। राम सीता की कहानी से हर कोई वाकिफ है। कैसे भगवान राम ने अपने साहस से धनुष को 2 टुकड़ों में बांटकर पूरे मिथिला के साथ साथ राजा जनक और सीता का मन भी मोह लिया था। सीता के आत्मविश्वास की परीक्षा उन्हें जीवन के हर मोड़ पर देनी पड़ी। विवाह के पश्चात सीता को वनवास जाना पड़ा। वनवासी बनकर भी सीता का जीवन चुनौतियों से भरपूर था। सीता माता को लंकेश्वर रावण ने अपहरण कर अपने पास रखा। वैसे तो भगवान राम ने सीता माता को रावण के चंगुल से निकाल लिया था, मगर समाज की माया जाल में फंसकर माता सीता की पवित्रता पर विश्वास के अभाव से उनसे अग्नि परीक्षा की मांग की थी। माता सीता इस अग्नि परीक्षा में पास हो गई थी। साथ ही उन्होंने अपने साहस और पवित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। गर्भावस्था के दौरान सीता का वनवास बचपन के दौरान एक अभिशाप के कारण था। पद्म पुराण के अनुसार सीता ने युवावस्था में ही पक्षियों का एक जोड़ा पकड़ा था। वह जानवरों के साथ बात करने की क्षमता रखती थी। पक्षी वाल्मीकि आश्रम में सुनी गई श्री राम की कहानी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सीता को अपमानित किया गया था। मादा पक्षी उस समय गर्भवती थी। उसने सीता से उसे जाने देने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने केवल उसके पुरुष साथी को छोड़ दिया, जिसके बाद उस पक्षी ने सीता को श्राप दिया कि वह गर्भावस्था के दौरान अपने पति से अलग होने का एक समान भाग्य भुगतेगी। माना जाता है कि उसी के परिणाम स्वरूप बिहार के सीतामढ़ी की धरती से जन्मी माता सीता की तपस्या और परीक्षाओं की समाप्ति नहीं हुई। सब कुछ होते हुए भी माता सीता को एक और जंग का सामना करना पड़ा। गर्भावस्था के दौरान सीता ने अपना पूरा वक्त बगैर राम के गुजारा था, या यूं कहे सीता का दूसरा वनवास शुरू हो चुका था। गर्भवती सीता को वाल्मीकि की धर्मशाला में शरण दी गई, जहां पर माता सीता ने लव और कुश की परवरिश एक अकेली माँ के रूप में की थी। वे बड़े और बुद्धिमान हो गए और अंत में जाकर अपने पिता के साथ एकजुट हो गए। अपने बच्चों को भगवान राम द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात माता सीता ने माँ भूमि की शरण में अपनी आखिरी सांस ली। एक अन्यायपूर्ण दुनिया से मुक्ति के लिए उसकी दलीलें सुनकर और ऐसी जिंदगी से जो शायद ही कभी खुश हुई हो, भूमि खुली और सीता उसमें समा गई। इसके साथ ही सीता अपने समर्पण, आत्मबलिदान, साहस और पवित्रता की मिसाल कायम कर गई। सीता महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है।